हेलो नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान देवर और भाभी का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। घर में अकेला पाकारी गलत वारदात को अंजाम दिया है। विरोध करने पर खत्म करने के लिए भी धमकाया है। अब कानोता थाने में युवती ने आरोपी देवर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है और मामले की जाँच SHO मुकेश कुमार कर रहे हैं। यह पूरा मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से निकल कर आ रहा है और पुलिस ने बताया कि कानोता निवासी 23 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके देवर ने घर में अकेला पाकर ही घटना को अंजाम दिया है। आरोप है कि शादी के बाद से ही गलत नीयत से देखता था और जुलाई 2022 में उसके पति, ससुर और अपने अपने काम पर चले गए थे और सास किसी काम से पड़ोसी के यहाँ गई हुई थी। घर में अकेला पाकर ही वह आ गया था और बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम दिया है और इसके बाद किसी को बताने पर खत्म करने के लिए भी धमकाया गया है। पीहर आने के बाद युवती ने अपनी माँ को सब बात बताई है, जिसके बाद आरोपी देवर के खिलाफ अब मामला दर्ज करवा दिया गया है और पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए अब जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सबूत मिलने के बाद तुरंत ही देवर को हिरासत में लिया जाएगा और उसके बाद उससे पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।